तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा था, यंग मास्टर हाओयू और प्रिंसेस यान के बीच में फाइट हो रही थी, जहां पर इन दोनों का फाइट कुछ देर तक ऐसा ही चलता ही रहता है। लेकिन तभी प्रिंसेस यान अपने डिवाइन लोटस को यहां पर अपेयर कर लेती है। इस चीज को देखने के बाद हाओयू भी बोलता है, सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने भी यहाँ पर अपने डिवाइन मून की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और अब आगे, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस डिवाइन लोटस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज को दूर से हाओयू भी देख रहा होता है और वो प्रिंसेस को बोलता है, सच में तुम्हारी ये डिवाइन लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारा ये लेग बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से तुम अपनी डिवाइन लोटस की पूरी पावर को यूज नहीं कर पाओगी। और यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी डिवाइन मून की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस डिवाइन मून के अंदर से बहुत सारे प्रिंसेस यान को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस यान भी कहां पीछे रहने वाली थी, वो अभी अपने डिवाइन लोटस की पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यहां पर एक बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। और ये एनर्जी एक अटैक का फॉर्म लेकर डिवाइन मून के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस किन को दिखाया जाता है, जो कि इरफान को बोलती है, हम लोगों के लिए प्रिंसेस यान हाओयू के साथ फाइट कर रही है, हम लोगों के लिए टाइम निकाल दिया, इसलिए हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग इस ताबूत को यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएं। इस पर इरफान कुछ नहीं बोलता है। लेकिन तभी हम लोगों को यंग मास्टर हाओयू को दिखाया जाता है, जिसने अपने डिवाइन मून की पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के आईलैंड एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस ब्लास्ट की चपेट में जितने भी लोग आ रहे होते हैं, वो सभी लोग मारे गए होते हैं। इस चीज को दूर से इरफान भी देख लेता है और वह टाइम रहते अपने सामने एक सील बना लेता है। इस चीज की देखा देखी यहाँ पर सभी लोग भी अपने सामने सील बना लेते हैं, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन इरफान अपने आप को किसी तरह से यहाँ पर संभाल लेता है और वो इस ताबूत को ढूंढने लगता है, जिसके अंदर में पोंगो है। लेकिन तभी मिस किन इरफान के पास आ जाती है और वो बोलती है, मुझे पता है कि वो ताबूत कहाँ है, तुम मेरे साथ चलो। और वो ये बोलने के बाद में इरफान को लेकर अपने साथ में चली जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने डिवाइन लोटस को समन कर लेती है और वो हाओयू को बोलती है, तुम्हें निर्दोष लोगों को मारने में क्या मजा आता है, जो तुम हम लोगों के क्लैन के ऊपर हमला कर दिए हो। इस पर हाओयू बोलता है, अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ उसकी वजह से सभी लोग मारे जाएंगे। और वो यह बोलने के बाद में अपने डिवाइन मिनर की पावर को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। इस चीज को देखकर प्रिंसेस यान भी अपने डिवाइन लोटस की पावर को एक्टिवेट करने लगती है और वो हाओयू को बोलती है, तुम्हारे लिए कितना आसान है मासूम लोगों के ऊपर हमला कर देना और इन लोगों को मार देना। इस पर यंग मास्टर हाओयू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम लोगों के क्लैन के ऊपर ऐसे ही हमला किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि डिमन क्लैन के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, क्या वो लोग मेरे से फाइट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि नेचर का ये रूल है, जो पावरफुल रहेगा वही इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा, और मैं पावरफुल हूँ तो ये नेचुरल है कि मैं इस दुनिया में सर्वाइव करूंगा और तुम लोग मारे जाओगे, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और तुम लोगों को मारने के बाद मुझे डिमन लॉर्ड के जितने भी हथियार हैं वो सभी हथियार मिल जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और भैया बोलने के बाद मैं यहाँ पर अपने डिवाइन मिनर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी प्रिंसेस यान बोलती है, तुम ऐसा करके सिर्फ अपने एंसेस्टर लोगों की गुलामी ही कर सकते हो और उन लोगों की नाक तो तुमने कटा ही दी है। और भैया बोलने के बाद अपने डिवाइन लोटस की पावर को एक्टिवेट कर देती है। और ये सब कुछ यहाँ पर दूर से ये दोनों एल्डर लोग भी देख रहे होते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कि इन दोनों के अटैक में से किसका अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इन दोनों के अटैक आपस में टकरा गए तो इन दोनों में से एक की तो मौत हो ही जाएगी। तभी हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जिसने अपने डिवाइन लोटस से हाओयू के ऊपर हमला कर दिया होता है। इस चीज को देखकर हाओयू भी अपने डिवाइन मिनर से प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और इस एनर्जी के ब्लास्ट के चपेटे में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। इस चीज को देखने के बाद हाओयू को लगता है कि प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लोगों को प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जिसे भी लग रहा होता है कि यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यंग मास्टर हाओयू की मदद करने के लिए यहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर भी है, जो कि हाओयू की मदद जरूर करेंगे जब वो हारते हुए दिखाई देगा। प्रिंसेस यान अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, लेकिन तभी डिमन क्लैन के यहाँ पर कुछ सोल्जर लोग आ जाते हैं और वो लोग प्रिंसेस यान को बोलने लगते हैं कि हम लोगों के सील को किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए आपको इस जगह पर जाना चाहिए और हम लोगों के लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों की मुलाकात आपसे फ्यूचर में जरूर होगी, इसलिए फिलहाल के लिए आप यहाँ से चले जाइए ताकि आपकी जान बच सके। और ये बातें यहाँ पर पूरे डिमन क्लैन की आर्मी प्रिंसेस यान को बोल रही होती है, इसलिए प्रिंसेस यान को ना चाहते हुए भी
इन लोगों की बातों को मानना पड़ता है, लेकिन वह जाने से पहले इन सभी लोगों को बोल देती है कि तुम सभी लोग अलग अलग हो जाओ ताकि यहाँ पर जी फैमिली के बंदे हम लोगों को पकड़ ना सके, और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इस चीज को दूर से हावयू भी देख रहा होता है, लेकिन वो इन लोगों को जाने से नहीं रोकता है और वो अपने मन में सोचता है आज तक मेरे डिवाइन मिनर की पावर से कोई भी जिंदा बच नहीं पाया है, लेकिन प्रिंसेस यान ने बहुत ही आसानी के साथ में मेरे डिवाइन मिनर के अटैक को रोक लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। हावयू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को इरफान और मिस्किन को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई कर अभी भी आगे की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ये दोनों रुक जाते हैं और इन लोगों की नजर उस ब्लास्ट के ऊपर पड़ जाती है। इस चीज को देखने के बाद मिस्किन बोलती है कि महामहिम ने डिवाइन लोटस का यूज किया है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ है। इस पर इरफान मिस्किन को बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिंसेस यान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे पता है कि कैसे अपनी जान को बचाया जाता है। इस पर किन बोलती है मुझे पता है कि प्रिंसेस यान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वह डीमन किंग की वंशज है जो कि कोई मामूली बात नहीं है और उसे कोई एरा गैरा तो रोक ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को एक जगह पर जाकर प्रिंसेस यान का इंतजार करना चाहिए। ये दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की इन लोगों को बोलती है सच में डीमन क्लैन खतरे में है और तुम लोगों के साथ में एक इंसान भी है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इस बात को सुनने के बाद में इरफान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है और इस लड़की को ढूंढने लगता है, लेकिन ये लड़की इरफान को कहीं पर भी नहीं मिलती है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर बोलना बंद नहीं करती है और वो बोलती है सच में तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम लोग इस फाइट को हारते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ पर एक पोर्टल को खुलते हुए दिखाई देता है। इस चीज को देखकर इरफान इस पोर्टल के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे ही पोर्टल खुलने लगते हैं और इरफान इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी एक दूर में पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से यह लड़की बाहर निकलती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। इस चीज को दूर से इरफान और मिस्किन देख रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। लेकिन तभी यह लड़की इरफान को बोलती है तुम कौन हो और तुम्हें डीमन क्लैन में कोई भी क्यों नहीं अपनाता है। इस पर मिस्किन इरफान को बोलती है यह लड़की इतनी ज्यादा कम उम्र में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने तुम्हें बस एक बार देखा और तुम्हारे बारे में उसने सब कुछ बता दिया है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली बात है। इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम दाय किए इस जगह से चले जाना चाहिए, और वो ये बोलकर इरफान को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पोर्टल के अंदर में चली जाती है और वो दोबारा से इरफान और मिस्किन के सामने अपेयर हो जाती है। इस चीज को देखकर इरफान और मिस्किन रुक जाते हैं क्योंकि ये दोनों चाहकर भी इस लड़की से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि इस लड़की की स्पीड इन लोगों से कई गुना ज्यादा तेज है। इसके बाद ये लड़की इन लोगों को बोलती है तुम लोग मुझसे बचकर भाग नहीं सकते हो क्योंकि मेरे पास टेलीपोर्टेशन की पावर है जो कि तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा अधिक है और स्पीड के मामले में तुम लोग तो मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से मत भागो। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगी, इसलिए तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर मिस्किन इस लड़की को बोलती है फिर तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। इस पर यह लड़की बोलती है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डीमन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पर टहल रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर तुम लोगों के ऊपर पड़ गई इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और इरफान तुमने तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं है कि तुम यहाँ पर डीमन क्लैन में क्या कर रहे हो। इस पर मिस्किन इरफान को टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि तुम्हें इस लड़की का ध्यान डाइवर्ट करना है, तब तक मैं इस चीज का फायदा उठाकर इसे मार डालूंगी। इस पर इरफान भी यहाँ बोलता है और वो इस लड़की को बोलने लगता है कि मुझे डीमन क्लैन में भेज दिया गया था जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी डीमन क्लैन के साथ में रहना पड़ता है। इस पर ये लड़की बोलती है तुम्हें किस आदमी ने धोखा देकर डीमन क्लैन को भेज दिया है, इसके बारे में मुझे बताओ। इस पर इरफान बोलता है एक मोटे से आदमी ने मुझे धोखे से डीमन क्लैन को भेज दिया है ताकि उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर रेयर ट्रेजर मिल सके। और रही बात डीमन क्लैन ने मुझे क्यों खरीदा है तो इस चीज के बारे में मुझे भी पता नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बोलती है मुझे पता है इरफान कि तुम मुझे यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, इसलिए सच बात को तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर मानूंगी तो नहीं लेकिन इससे भी बुरा तुम लोगों के साथ करूंगा क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हूँ, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग सब कुछ मुझे सच सच बता दो। इस पर इरफान बोलता है इस दुनिया में तुम चाहो किसी को भी कितना ज्यादा सच बोल लो लेकिन तुम्हारी बातों के ऊपर में किसी को भरोसा नहीं होगा, लेकिन जब तुम उसे झूठ बोलते हो तब तुम्हारे ऊपर उसे फट से भरोसा हो जाता है। इस पर ये लड़की बोलती है इरफान तुमने मुझे झूठ बोला क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे रेयर रेयर ट्रेजर है जिसकी वजह से डीमन क्लैन ने तुम्हें खरीदा था ताकि वो लोग तुम्हारी मदद से उन ट्रेजर को हासिल कर सके। इस पर मिस्किन इरफान को टेलीपैथी के थ्रू बोलती है उसके सामने आने का प्रतीक्षा करो, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस पर इरफान इस लड़की को बोलता है तुम मेरी बॉडी की यहाँ पर तलाशी ले सकती हो कि मेरे पास ट्रेजर है या नहीं। इस पर ये लड़की मिस्किन को बोलती है मुझे पता है कि इरफान के अंदर में डीमन किंग का हार्ट छुपा हुआ है जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रेयर है। इस बात को सुनने के बाद मिस्किन यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके ऊपर हमला भी कर देती है, लेकिन तब तक ये लड़की अपने पोर्टल के अंदर में चली गई होती है जिसे देखने के बाद मिस्किन भी थोड़ी सी शॉक होती है और वो इस लड़की को ढूंढने लगती है और इरफान भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी
ही ये लड़की इन लोगों के पीछे अपेयर हो जाती है, इन लोगों के ऊपर हमला भी कर देती है, जिसे मिस किम टाइम रहते ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो इस लड़की के ऊपर हमला लगातार करने लगती है, लेकिन ये लड़की सभी अटैक को डॉज कर लेती है। और इरफान भी मिस किम की इस फाइट में मदद कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसने अपने आसपास में एक शील्ड बनाकर रखा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक कर इस लड़की के ऊपर में कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म, और इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही ज्यादा फाइट होने वाली है। तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।